मतलब जो जो जहाँ मुझे देख रहा है सबको मेरा सलाम। और जैसा कि आपको पता है हम ये पूरी वीक कर रहे हैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स के नाम से, तो आज जो सिंपल सा एक होता है चिकन सैंडविच जो कि मार्केट में मिलता है, मगर उसको किस तरह बनाया जाए, बना तो हर कोई लेता है कि मायनीज लगाया और उसके अंदर चिकन डाल दिया, मगर नहीं, क्या क्या चीज़ें डालती हैं, किस तरह उसका टेस्ट बढ़ता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलें आज मैं आपको सिखाता हूँ सिंपल चिकन सैंडविच जो कि आप सुबह बच्चों को इस लंच बॉक्स में रख के और साथ में फ्रेंच फ्राई दे सकते हैं। तो चले आए सीखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड, ये हमने आधी ब्रेड ले ली है, सही है, ये दो स्लाइस का दो सैंडविच बनेंगे। उसके बाद हमें चाहिए वाइट बटर, सही है, वाइट बटर ले लें या फिर किसी अच्छी कंपनी का येलो वाला बटर जो आता है वो भी ले सकते हैं। नाम बता दूँ, चले बता देते हैं, नूरपुर का बेहतरीन बटर वो ले सकते हैं, सही है। ये है हमारा चिकन, ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम बॉयलर चिकन लिया था, उसको हमने किस तरह उबालना है, 300 ग्राम के थोड़ा सा पानी डाला, हाफ टी स्पून सिरका डाला, वन हाफ टी स्पून नमक डाला और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको हमने पका लिया। पकाने के बाद हमने उसको ऐसे रेशे कर लिए। ओके जी, ये हो गया हमारा। अच्छा जी, और हमें चाहिए होगा ये है होम मेड मायनीज, सही है, मायनीज भी खुद इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा मैं बना के, और वो आप बनाइएगा। ये होम मेड है, देखें कितना ज़बरदस्त है, ये देख रहे हैं, ये होम मेड मायनीज है और बेहतरीन है। बाहर आप मायनीज लेके आ रहे हैं जो कि बच्चों को चिप्स के ऊपर डाल के देते हैं, वो मायनीज नहीं है, सही, वो अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल से खाना छोड़ दें, वो खाली जहर है एक तरह का, और जो उसके बाद कैचअप डाल रहा है वो भी जहर है। इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको होम मेड कैचअप डाला हुआ है एक नए सिरे से आपको, और एक हमारा मैनिस डाला हुआ है, लेकिन ये वो है जो कि आप मार्केट में देखें खाते हैं, ये भले 10 दिन पड़ा रहे ये मेल्ट नहीं होगा या नरम नहीं होगा, इसका ऐसा एक हमारे पास फार्मूला आ गया, सही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होगा सलाद के पत्ते, अगर बच्चों को पसंद है सही है, नहीं तो उनको पसंद करवाए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है और बहुत सारी चीज़ें जो कि हड्डियों के लिए और जहन के लिए बहुत बेहतरीन है, ऐसी चीज़ें खिलाया करें बच्चों को। अच्छा जी, हमें चाहिए होगा हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, बस ओनली, और कुछ भी नहीं चाहिए। चले आए बनाते हैं। सही जी, बिस्मिल्लाह भाई, ये चिकन हमने डाल दिया इसके अंदर, तकरीबन आप बना के रख सकते हैं चिकन को जिस तरह मैं बना रहा हूँ, जब जाना हुआ चिकन निकाला आपने बाहर और बच्चों को बना के दे दिया सुबह लंच बॉक्स में डाल के, सही ये हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन, ये देखिए मायने सारा है हमारा, तकरीबन 100 ग्राम, अगर आपने ज़्यादा बना के रखना है तो उसके अंदर 100 ग्राम से 150 ग्राम मायनीस आपने डालना है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा काली मिर्चें, ये हैं, या फिर उतनी मिर्चें डालें जितनी आपके बच्चों को पसंद हो। सही, अगर आपके पास होममेड नहीं है मायनीस तो जो है आपके पास वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया हमारा चिकन पाउडर, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर लेके आएगा, इसको मिक्स करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस सैंडविच के अंदर कैचअप नहीं होता है, अगर कैचअप देना है तो बनाए इस तरह का और अच्छी कंपनी का शाशा मंगवा लें, वो साथ में बच्चों को रख के दे दें। तो ये देखें VIP, चपते हैं इसको, ज़बरदस्त, सब चीज़ें परफेक्ट हैं, मिर्ची अगर डालना चाहें मर्जी डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। सही जी, अब हम रोटी के माजरत के साथ अगर इसी तरह बनाना है तो इसी तरह बना दें, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आएगा, ये आपने किनारे काट देने और इन किनारों को आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको एक ट्रे में डाल के आपने छत पर रख देना, सही है, और धूप के अंदर, और रात को घर में ले आना, 1 से 2 दिन धूप में पड़ा रहे फिर इसको आपने, इसका ब्रेड क्रम बन सकता है बेहतरीन। तो चलें ये मैं काटता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह बनाना है, जाइएगा नहीं, कुछ भी सस्पेंस हो सकता है इसके अंदर। काट ली, अब हमने ये जो चिकन था हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर मायनीज मज़ीद लगाना चाहें तो स्लाइस पे लगा सकते हैं, नहीं तो इतना ना लगाएं क्योंकि ये भी हैवी होता है, अगर आपके बच्चों को कैचअप पसंद है वो ना है तो इस साइड पे कैचअप लगा दें, मगर ये ऐसे ही सिंपल होता है तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका, 2-3 चीज़ों से
बहुत वीआईपी फ्लेवर आते हैं। सारा लगा लिया, जो बच गया हमारा इसको आपने फ्रिज में रख देना है। जब भी बच्चे जाएं सुबह, सुबह भी बना सकते हैं हाथ के हाथ, रात को बना के आप फ्रिज में रख दें। सुबह जब बच्चे जाएं उनको आपने गर्म करके दे देना माइक्रोवेव में, नहीं तो ऐसे भी दे। ये वाला सैंडविच जो होता है ये तकरीबन ठंडा ही खाया जाता है। सही, ये करने के बाद ये माइनस ले लें हमारा। सही है। अच्छा जी, अब अगर हमें करना है कि नहीं यार मिर्चें कम है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो इसके अंदर आप कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। नहीं तो थोड़ी सी आपने हल्की हल्की, क्योंकि इसके ऊपर सलाद का पत्ता आएगा तो उससे ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा फ्लेवर होगा। तो ये पत्ता बच्चों को अक्सर पसंद नहीं होता, लेकिन ये आप कोशिश करें कि बच्चे खाएं, ये बहुत बेहतरीन है। हम तो खुद अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई ये खाओ। और पता सब्जियां जो है ना, ज़बरदस्त है सब्जियां। सही है, टमाटर वमाटर लगाना है वो आपकी मर्जी, लेकिन वो बिसाख मार देता है तो इसलिए यही करें। थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो आपका पत्ता ताकि अच्छा लगे। यूँ यूँ नहीं करना, इसको यूँ रखें बराबर का और इसको यूँ दबा लें। सही जी, देखें ओ माय गॉड। सही है, इस तरह आपने बच्चों को देना है सुबह। ऐसे मैं लगाता हूँ इसको, बेहतरीन और ज़बरदस्त। यूँ ऐसे लगा लें, यूँ भी लग जाता है, जैसे मर्जी लगा लें कोई मसला। चलिए जी, देखिए जी बन गया फर्स्ट क्लास हमारा। इसको यूँ आपने खाना है, ओ माय गॉड क्रीमी, बहुत अच्छा। कम चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं कि जो बच्चे के पेट में नुकसान करे या कुछ करे। बेहतरीन, ओ माय गॉड। इसके साथ ही आपने हमारे चैनल पे आना, कमेंट करना है कि जो हम ये वीक मना रहे हैं सही मना रहे हैं, वो आप क्या सीखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, जो जरूर है। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।